ये पेड़ बहुत ही लंबा है और इस पेड़ में एक भी लीव्स नहीं है, सिर्फ इसका जो फल है वो है और इसका छाले जो है इस मतलब इसका दवाई का काम भी मतलब लगता है। तो मुझे नहीं पता था, मुझे आज ही पता चला और मैंने आज से ही देखा है इस पेड़ को। अफ्टरनून, आप सब कैसे हैं? आई होप मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। और अभी कितना बज रहा है यार? 12:30 का एक लगभग एक बज चुका है और मैं अभी यहाँ पर खाना बना रही हूँ, दोपहर का लंच प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्या बताऊँ, तो आज से हम लोग का वेज प्योर वेज है और मैं बना रही हूँ ये रहा करेला फ्राई और दाल, यहाँ पर है बीन, इसको भी फ्राई करूँगी और चावल मेरा हो चुका है, यहाँ पर चावल बन चुका है मेरा चावल। तो आज का ये है सब शॉर्टकट मेनू और काफ़ी गर्मी भी है, क्या बताऊँ, तो वर्ड नहीं, गर्मी बहुत ही है। तो चलिए मैं खाना बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा करेला फ्राई हो चुका है, हल्का सा, मैं ज़्यादा नहीं पकाई हूँ, आधा कच्चा आधा पका, ऐसे ऐसा टाइप को मैं करेला फ्राई करती हूँ। और यहाँ पर मैं और एक चूल्हा पर मेरा दाल बैठाई हूँ, ये भी सीटी मार चुका हो चुका है। तो अभी तेल दे के कढ़ाई में जो बीन है इसको मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैं कलौंजी सोखती हूँ, बीन में कलौंजी हम लोग सोख देते हैं। तो और हल्दी और नमक दे करके फ्राई करूँगी और उसके बाद ये हो जाने के बाद दाल को छोक लगाऊंगी। तो मेरा खाना बनाना कंप्लीट हो चुका है, आई फील रिलीफ नाउ, क्योंकि सबसे बड़ा खाना बनाना काम है, उसके बाद तो बाकी काम धीरे धीरे होता रहेगा। और खाना बनाने के बाद अभी क्लीनिंग भी करना है गैस को, थोड़ा बहुत गंदा हुआ है, तेल का छिटक पड़ा है, तो वो सब मुझे अभी क्लीन करूँगी। उसका बाहर में कपड़ा है ये सब भी उठा लेकर आना पड़ेगा, ये सब लेकर आने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी। और इतना गर्मी है ना इस रूम में, तो और ज़्यादा गर्मी लगता है, क्या बताऊँ। और इसके लिए मैं कुछ भी ब्लॉक नहीं सूट करती हूँ, इतना मुझे गर्मी लगता है, कुछ सूट करने का मन ही नहीं करता मुझे इस घर पे। तो कब मैं नए रूम पे, कुछ अच्छा वाला रूम पे मैं शिफ्ट होंगी, वही इंतज़ार में हूँ। फिलहाल तो यहाँ पर ही रहना पड़ेगा, नो चॉइस, कोई चॉइस नहीं है। तो चलिए, और एक बात, मैं मेरे हेयर को भी कट भी की हूँ, या एक मंथ ऑलमोस्ट होगा, और 24 या 23 तारीख को मैं काटी थी इसका, आप लोग को बताया भी नहीं हूँ, ब्लॉग भी कुछ भी शूट नहीं किया, तो क्या बताऊँ। और तो भी छोटा करके मैं काटती हूँ, तो मैं साल में एक बार काटती हूँ, तो इस साल जो देखती हूँ कितना लंबा होता है, फिर मनाना से काट दूँगी। इतना गर्मी इस घर पर, मैं इतना मतलब मेरा बाल का लंबा मैं नहीं कर सकती हूँ। और यहाँ पर कैमरा क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा है, क्या करूँ। तो चलिए मैं काम करती हूँ, बात नहीं तो देर हो जाएगा मुझे।
तो खाना तो बन गया, अभी सिर्फ बर्तन धोना बाकी है। जो मैं खाना बनाने के साथ साथ ही बर्तन में सारा बर्तन मैं धो देती हूँ, क्योंकि रखती नहीं हूँ। रखने से मतलब बाद में मुझे परेशानी नहीं होता, क्योंकि लंच करने के बाद बहुत सारा बर्तन हो जाता है, उसके बाद मुझे प्रॉब्लम हो जाता है धोने के लिए, मन नहीं करता इतना सारा बर्तन देख कर, तो मुझे गुस्सा ही आ जाता है। तो मेरा धोना कंप्लीट हो जाएगा है, अभी इसको मैं बाहर में दे देती हूँ, क्योंकि बर्तन को थोड़ा धूप भी लगना चाहिए, धूप में सुखा देती हूँ। उसका सूख जाने का शाम का टाइम मैं सुबह से बर्तन ऐसे बाहर में रख देती हूँ, धो धो करके ऐसे बास्केट में, और शाम को मैं उठा करके बाद में अपना जगह मतलब जहाँ पर बर्तन रखती हूँ मैं डेली, वहाँ पर मैं रख देती हूँ। और बिस्तर में जो मतलब कपड़ा है, ये सब जहाँ का कपड़ा वहाँ पर मैं रख देती हूँ। गुड इवनिंग गाइस, और अभी बज रहा है 6:30, और अभी मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि उतने के बाद मैं दिया दी हूँ घर, झाड़ू दे करके। दिया देने के बाद मम्मी के साथ मम्मी और मैं दोनों मिल करके चाय पी हूँ, थोड़ा गपशप भी की हूँ। उसके बाद मम्मी चला गया दुकान में, तो अभी मैं कपड़ा जितना भी कपड़ा धोई थी वो सब मैं फोल्ड कर रही हूँ, और मैं एक साथ सब सारा कपड़ा लेकर के मैं फोल्ड करती हूँ शाम का टाइम। ये शाम का टाइम का मेरा ड्यूटी है ये, तो ये फोल्ड करने के बाद जहाँ 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 जिसका मतलब हम लोग का कपड़ा रहते हैं वहाँ पर मैं रख देती हूँ। तो ये डेली वेयर का कपड़ा है, तो मेरा और मम्मी एक जगह पर रखती हूँ, और भाई का दूसरा जगह पर रखती हूँ, उसका अलग जगह है। तो इस छोटे से रूम में तो मुझे तो प्रॉब्लम नया नया में हुआ था, तो धीरे धीरे मैं एडजस्ट करती करती मतलब चीज़ें अपने अपने जगह पर रखते रखते अभी मेरा ठीक हो चुका है, और मेरा कपड़ा फोल्ड भी हो चुका है। और ये है एक ब्लैंकेट का कवर जो है, आज मम्मी ने धो दिया है, मैं नहीं धो सकती हूँ, भारी है। ऐसे तो देखने में हल्का लगता है, धोने का टाइम मालूम चलता है कितना हैवी है ये, तो मम्मी ये सब धोता है। और उसका बाद ये जो बर्तन बाहर में था ये सब ला करके अभी यहाँ पर जो जहाँ पर जगह है उस वहाँ पर मैं रख देती हूँ। तो ये सूख भी गया है, पानी भी नहीं है इस बर्तन में, तो अपना अपना जगह पर मैं रख देती हूँ। तो अभी डिनर का प्रिपरेशन चल रहा है, तो मैं बनाने के पहले मैं सारा सब्जी चॉप कर लेती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे मैं बनाती हूँ, और बैठ करके ऐसा चॉप कर लेती हूँ, बोटी से करती हूँ। और मुझे चाकू में इतना कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ, तो मैं ऐसे बैठ करके पहले चॉपिंग कर लेती हूँ, उसके बाद सब रेडी करके उसके बाद धीरे धीरे मैं बनाते रहती हूँ, एक एक करके बनाती हूँ। Thank you.
फ्राई हो चुका है, तो दोपहर को भी मैं बनाई हूँ, अभी भी मैं अभी बीन्स दो है ये फ्राई की हूँ, और साथ में है सोयाबीन, दो सोयाबीन में यहाँ पे अंधेरा आया है, और आलू का भाजी टाइप बनाऊंगी यहाँ पे, और जीरा पाउडर देकर तो बनाऊंगी यहाँ पर, सोयाबीन भी डाल देंगे, तो ये सिंपल से चावल भी हो चुके हैं यहाँ पे, और सिर्फ रोटी बनाना बाकी है। तो मेरा कुकिंग कंप्लीट हो चुका है और अभी सिर्फ सफाई करना बाकी है, ये सब सफाई करूंगी, और राइस भी हो चुका है, दोपहर का दाल था और सब्जी तुरई आलू सोयाबीन का सब्जी और बीन फ्राई और रोटी, तो मेरा हो चुका है कंप्लीट। और अभी बज रहा है 9:30 शायद बज रहा है, तो मैं इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को अच्छा लगा, अगर अच्छा लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो फिर मिलती हूँ कुछ नया वीडियो लेकर के, तो आज के लिए बाय बाय एंड गुड।